अमरूद का बाग है भैया। ये फैक्ट्री किस चीज़ की है भैया? ये चूज़े की फैक्ट्री है, चूज़ा तैयार होता है यहाँ पर भैया। ये इस वक्त काना साहब में बारिश हो रही है जी, बारिश काफ़ी तेज़ हो रही है और ये बारिश के हालात हैं आपके सामने, आप देख रहे हैं। इस वक्त जा रहे हैं जी, ये सारी चावल की फसल आपको नज़र आ रही है। ये जो चावल की फसल तकरीबन 3 महीने के बाद तैयार होगी। और ये है इसे कहते हैं कमाद, गन्ना। गन्ना ये गन्ने की फसल है भैया, ये गन्ने की फसल है। और इस वक्त हम जो है ननकाना साहब से मौजूद हैं, ननकाना साहब का कॉल बॉडी कर रहे हैं ननकाना साहब से। बारिश का यहाँ पर अमरूद के बाग काफ़ी हैं, तो ये भी आपको दिखाते हैं। ये अमरूद का बाग सारा, ये अमरूद का बाग ये भी अमरूद का बाग है। ये देखिए जी, बारिश का पानी, ये बारिश का पानी है यहाँ पर, काफ़ी बारिश हुई है। ये भी चावल की फसल है, तैयार होने में तकरीबन 3 माह लगेंगे। अभी 3 माह लगेंगे। ये देखिए जी, ये रिक्शे हैं, ये आप देख रहे हैं जी, ये हिफाजती तौर पर इंतजाम किए गए हैं। आगे मज़ीद आपको हम दिखाएंगे। ये जो है ये देखें कि बारिश का पानी, काफ़ी बारिश हो रही है यहाँ पर। ये सामने भी आप देख रहे हैं, ये लीमू और अमरूद के दरख्त हैं, ये भी अमरूद के दरख्त हैं जी, ये लीमू है, लीमू के दरख्त हैं जी। जो सारी चावल ये भी अमरूद के बाग है। ये कमाद है, कमाद कहते हैं ये कमाद। ये भी कमाल का फसल है, बारिश में खूबसूरत मंजर देख रहे हैं आप। ये टर्न है जी, यहाँ से सड़क का टर्न है, ये हमारे ऑफिस साहब जो है गाड़ी चला रहे हैं सर। ये सारी चावल की फसल है, इसको तैयार होने में भी 3 माह बाकी हैं। ये वाहिद फसल है जिसमें सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, और पानी इसमें हर वक्त भरा रहता है, मौजूद रहता है। खूबसूरत मंजर है, ये भी इस चीज़ का
गाड़ी के पीछे करो समझिए। देखिए तोते के साथ जुलम हो रहा है, दो तोते लगाए गए हैं। ये सारी ही चावल की फसल है जी। तो ये जिला ननकाना साहब, जिला ननकाना साहब है, यहाँ की फसल भी चावल की बहुत अच्छी होती है। ये सामने आपको दिखा रहे हैं, बोर्ड आ रहा है ये और ये देखिए ये लीबू को भागे जी, गन्ना कहते हैं, ये गन्ना है। मेरे कहने दो छिटाओं गुड़ियाँ चुप करके नहीं बैठ सकती। अब सर ये कोई फसल है या वैसे जड़ी बूटी है? वैसे जड़ी बूटी। ये भी अमरूद का बाग है, नया तैयार किया जा रहा है। अमरूद के बाग में ये सारे ये दोस्तों मेन सड़क जो ननकाना साहब की है वो आगे है, जो लिंक करती है फैसलाबाद रोड से, जो कि ये इसके बारे में मशहूर है कि ये सिख बरादरी ने तामीर करवाई है। ये वो सड़क है, ये देख रहे हैं आप लोग, या माशाल्लाह ये बहुत अच्छी बहुत खूबसूरत सड़क बनी हुई है। यहाँ से ये कट है। और ये क्या है जी आप सब सामने, क्या है ये भी? चूज़े की फैक्ट्री है। अच्छा जी जान में यहाँ पर चूज़ा तैयार किया जाता है जी इस फैक्ट्री में, ये भी काफ़ी बड़ी फैक्ट्री है। आइए देखें ये सड़क की खूबसूरती है।
हेलो वालेकुम सलाम। मोटरसाइकिल कोई मैं घर ही थी कि मैं घर जाके आया पता नहीं आपने आना हुआ तो कोटवार से अपना पता नहीं होना ये सामने टावर आ रहा है। ये बारिश के बाद धूप निकल आई है। माशाल्लाह खूबसूरत इलाका जी ननकाना साहब, जरखेज़ ज़मीनें हैं और बहुत ही खूबसूरत सड़कें। ये कोई एम्बुलेंस ख़राब हो गई है। ये दोनों साइडों में ये खूबसूरत सड़क है जो कि ननकाना साहब को मिला रही है फैसलाबाद रोड से। ये भी अमरूद का बाग है जी। ये सामने जो आपको नज़र आ रहा है ये अमरूद का बाग है। यहाँ पर अमरूद की काफ़ी काश्त है, काफ़ी पैदावार है अमरूद की यहाँ पर इस इलाके में। तो ये खूबसूरत हवेली चंद्रकोट का इलाका है जहाँ आप इस वक्त हम आ रहे हैं। चंद्रकोट का इलाका ये खूबसूरत तहसील फूल देखें जो सूरज लगाए गए। धूप भी है और बारिश भी और गर्मी भी है। ये खूबसूरत सड़क, ये नहर है जी। कौन सी नहर है ये? इसको कहते हैं चंद्रकोट की नहर। अगर आप नज़र आ रही हो यहाँ से नज़र आएंगे चंद्रकोट की नहर।
ਉਹੀ ਵੇਖਣੇ।